दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस करें, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो दोस्तों, फोल्डर को हाइड करने के लिए आप फाइल मैनेजर को ओपन करें। दोस्तों, आपके फोन में बाय डिफॉल्ट जो फाइल मैनेजर है उसका यूज भी आप कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों कुछ एंड्रॉइड फोन में बाय डिफॉल्ट जो फाइल मैनेजर इंस्टॉल रहता है उसमें आपको शो हिडन फाइल्स का ऑप्शन शो नहीं होता है, और कुछ एंड्रॉइड फोन में यह ऑप्शन आपको शो होता है। तो अगर आपके एंड्रॉइड फोन के फाइल मैनेजर में शो हिडन फाइल का ऑप्शन शो नहीं होता है तो आप इस ES फाइल एक्सप्लोरर का यूज कर सकते हैं। दोस्तों, इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फाइल मैनेजर को ओपन करने के बाद उस फोल्डर को सिलेक्ट करें जिसे आप हाइड करना चाहते हैं, फिर चाहे वह फोल्डर आपके फोन मेमोरी में हो या मेमोरी कार्ड में, तो उस फोल्डर को आप यहां से सिलेक्ट करें। जैसे हम यहां पर DCIM का फोल्डर सिलेक्ट करते हैं जो कि यह फोटोज का एक फोल्डर होता है, उसके बाद इसे रीनेम करें। रीनेम करने के लिए फोल्डर को सिलेक्ट करें और रीनेम पर टैप करें, और फोल्डर का जो भी नाम है उसे आप वैसा ही रहने दें। सिर्फ फोल्डर के आगे आपको डॉट लगाना है और उसके बाद ओके पर टैप करें, जिससे वह फोल्डर हाइड हो जाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, वह फोल्डर हाइड हो चुका है। इसके बाद फोल्डर में अगर आपके फोटोज होंगे तो वह आपको गैलरी में भी शो नहीं होंगे। दोस्तों, अगर आप दोबारा इस फोल्डर को देखना चाहते हैं तो सिंपली आप लेफ्ट साइड में 3 लाइंस पर टैप कीजिए और स्क्रॉल करते हुए नीचे आए, जिससे आपको यहां पर एक शो हिडन फाइल का ऑप्शन शो होगा, आप देख सकते हैं। तो इसे आप यहां से टर्न ऑन करें, जिससे जो फोल्डर हमने यहां पर हाइड किया था वह फोल्डर हमें यहां पर शो हो जाएगा। आप देख सकते हैं, हमने यहां पर DCIM का फोल्डर हाइड किया था जो कि हमें यहां पर शो हो चुका है, लेकिन दोस्तों अभी यह फोल्डर आपको गैलरी में शो नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों आपको इसे रीनेम करके डॉट को हटाना होगा, तभी यह फोल्डर आपको गैलरी में शो होगा। दोस्तों, फोल्डर को हाइड करते टाइम आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि आप जो भी फोल्डर को हाइड करना चाहते हैं तो वह आपका फोल्डर फोन मेमोरी में है या मेमोरी कार्ड में, और किस फोल्डर के अंदर वह आपका फोल्डर है यह आपको कंफर्म होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप फोल्डर हाइड कर देंगे और उसे अनहाइड करेंगे तो वह आपको कंफर्म नहीं होगा कि आपका फोल्डर फोन मेमोरी में था या मेमोरी कार्ड में, तो फिर आपको फोल्डर को ढूंढने में प्रॉब्लम आएगी। तो दोस्तों, आप इस तरह किसी भी फोल्डर को हाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें।